जो कि विकेट कीपर भी है, एक बेहतरीन बैट्समैन है, फील्ड में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हुए एक बार फिर करारा प्रहार, खिलाड़ी डीप में तैनात। अब ये खिलाड़ी बिल्कुल सही है, आप लगाया हुआ है कुछ सही स्थान पे, खासकर जिस लंबाई पे गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा रूम जो दे रहे हैं तमाम दर्शक, ये मुकाबला देखते हुए। ओ बाल बाल बचे, हल्की सी स्विंग जो एयर में नजर आई और उसी लाइन पे खेल गए जहां से बॉल शुरू हुई थी। ये देखिए हल्का सा, ओ ब्यूटीफुल स्विंग। ये बढ़िया सोच, बढ़िया तालमेल, जैसे ये गैप में खेला, दौड़ लिया उस रन के लिए। नायक जॉय अच्छा कार्य करते हुए और समझदारी से खेल रहे हैं, ये एक अच्छी सोच बंगाल टाइगर्स द्वारा। पिछले ओवर में ये जैस का रिएक्शन था जब उन्होंने वो गेंद को ड्रॉप किया, अपने बाल पकड़ लिए, बहुत नाखुश अपने आप से। अब मेरे साथ एक और तेज गेंदबाज है, भारतीय गेंदबाज है तेज, अतुल वासन। इसे मैं पूछना चाहूंगा इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है शायद इस शॉट के बाद, हालांकि ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, इसको कौन रोकेगा। जबरदस्त शॉट लगाया जॉय ने, बिल्कुल पढ़ लिया कि शॉर्ट पिच गेम के बॉल के इंतजार में भी थे। ओहो, ऑन द राइज पिवट करके, क्या बात है। और वो रिएक्शन की बात की, ऐसा लगा जैसे किसी की बाढ़ में पूरा घर बह जाता है वैसा। और वैसे भी कलाकार है, हर तरह की इमोशंस बहुत बढ़िया दर्शाते हैं। पर अतुल आप क्या करते थे जब कोई खराब गेंद करते थे या जब कप्तान आपसे खुश नहीं होता था, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आपको तो पता होना चाहिए, आपके साथ तो मैं खेला हूँ तो और हमारे कप्तान हमारे से भी ज्यादा खतरनाक रहते थे, आपको पता है, उनके सामने कुछ कैमरे जा रहे थे। काफी खिलाड़ी खतरनाक थे, एक नहीं, दिल्ली में एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी थे, बड़े बड़े दिग्गज थे और बहुत कमेंट्स आते थे। मुझे याद है जब हम बल्लेबाजी करते रणजी ट्रॉफी मैच में, विकेट कीपर को, गेंदबाज को बहुत सलाह दी जाती थी, प्रेशर में रहता है हमेशा जब ऐसी टीम में आप खेल रहे हो। एक तो परफॉर्मेंस का प्रेशर, ऊपर से जो खिलाड़ी हैं उनका प्रेशर। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़े बड़े नाम की बात की आपने तो, भुविंदर अमरनाथ, मदन लाल, कीर्ति आजाद, रमन लांबा, ये सभी, मनोज तुरवाकर, ये सभी खिलाड़ी टीम में रहते तो आप फिर इम्यून हो जाते हैं, क्योंकि हम जब नए आए थे तो डरते थे, बाद में जब इन्हीं के साथ खेलना है तो हमें पता था कि बातें तो सुननी है, अगर इनकी सुन के अपने आप खेल खराब कर लें तो कोई फायदा नहीं है। पहले पैड में लगा है, ये तो रिव्यू करना बनता है, अगर पहले पैड बैट है तो ओ, किसी ने रिव्यू नहीं कराया मुझे लगता नहीं। चलिए 3 ओवर के बाद 22 रन। टॉस जीता बंगाल टाइगर्स के कप्तान जीशु ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया 3 ओवर के समाप्ति के बाद 22 रन बिना किसी नुकसान के। जॉय 13 पे, विनायक 5 पे, जयेश ने ओवर लेके आते हुए, सीधी रह रही है और क्रॉस लाइन खेलना इतना आसान नहीं, थोड़ा सा जोखिम बरत रहे हैं यहाँ पे विनायक, सावधानी भी रखनी होगी। वार्ली जेंट से गेंदबाजी करते हुए, ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पॉली 2020 कुकीज का मजा ले रहे हैं इस मुकाबले का, और शाम का दूसरा मुकाबला। और ये बढ़िया शॉट, गैप में खेला, 4 रन मिलेंगे, बेहतरीन टाइमिंग और सबसे बड़ी बात बेहतरीन प्लेसमेंट भी। ऐसे देखा कि रूम है, पूरी तरह से वार किया वहां पे विनायक ने और हाथ खोलने का मौका मिला। और आउटफील्ड इतनी तेज है कि अब रोकना लगभग नामुमकिन। फिर से अब गैप में खेलते हुए, थोड़ी सी
पुष्पित दबंग्स की जो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई, आमतौर पर गेंदबाजी में काफ़ी बढ़िया कार्य करते हैं शुरू के ओवर्स में, और आज कोई नया प्रयोग किया है, जैसे गेंदबाजी की शुरुआत कराई है जो कि एक ऑफस्पिन गेंदबाज हैं, तो कोई अलग रणनीति से उतरी है आज भूरपी दबंग्स की टीम। इस बार उठा के खेला है, गेंद हवा में जाती है और बहुत ही बढ़िया शॉट, जबरदस्त प्रहार, एक खिलाड़ी डीप में तैनात था पर मात्र दर्शक ही रह गया। मुझे लगता है पूरा वो जो बाउंड्री मैट है उस पर जाके सीधा लगा है, तो छह होगा ये, तो नहीं आया है यहाँ पे, और ओ बाहर 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 बाहर, पूरे छह रन, बिल्कुल साफ प्रतीत होता हुआ जो स्कर्टिंग है उसके बाहर जाके गेंद लैंड हुई है, तो छह रन का इशारा होना चाहिए। कोई इशारा किया था एम्पायर ने, तो पहला छक्का आता हुआ इस पारी का। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, खुल के बैटिंग कर रहे हैं, दबाव में नजर नहीं आ रहे। वही बात है, मैंने जब टॉस की थे दोनों ही टीमें ऐसे मूड में थी कि नथिंग टू लूज है, अब सब कुछ चला गया, अब क्या रह गया, तो खुल के खेलेंगे हम, अब क्या बचा के करेंगे, अब कोई डर नहीं है। और खासकर समर्थकों को जरूर चाहेंगे कि जाते जाते एक जीत का तोहफा दें, एक अच्छा मुकाबला खेलें, एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत मिलती है तो ज़रूर टीम बढ़िया नज़र आती है, खासकर अगले सीज़न की अगर आप तैयारी कर रहे हो, नए विकल्प आपको मिलते हैं। ये बढ़िया गेंद सीधी रहती हुई, और यहाँ पे मुश्किल झटका लगता हुआ, एक अच्छी शुरुआत और समर्थक भोजपुरी दबंग्स के बहुत खुश, और क्यों नहीं, ऐसा लगा कि विकेट तोहफे में दे दी हो, गिफ्ट दे दिया हो, तालमेल में कमी। पर यहां तो मात्र एक ही बैट्समैन दौड़ा था, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से बिल्कुल भी क्रीज से निकले नहीं, और ये कारण जॉय को वापस जाना होगा, ज्यादा अग्रेसिव थे, ज्यादा आक्रामक शैली में खेल रहे थे, 21 रन बना के आउट हुए जॉय, निराश होंगे और देखिए थोड़े से अब गुस्से में भी, और दुख तो होता ही अतुल जब आप इस प्रकार आउट हो, जब इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हो, देखिए ये घटा था। देखिए विनायक जो है वो क्रीज से बाहर निकले नहीं, और ये कारण है कि जॉय को वापस जाना होगा, निराश वापे जॉय, चार ओवर के समाप्ति के बाद 35 पे एक बंगाल टाइगर्स। चार ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे एक बंगाल टाइगर्स, नए बैट्समैन राजा मुस्कुराता हुआ चेहरा वहां पे नजर आ रहा है, पर औसत इतनी बढ़िया नहीं, ट्राई ग्रेड फिर भी आप ठीक ठाक कह सकते हैं, पर औसत 10 से भी नीचे, तो आज एक अवसर दिया है कप्तान ने कि कुछ करके दिखाए, और काफी जोश से काफी ऊर्जा से अंदर आए हैं, और जॉय जिस प्रकार वापस गए काफी निराश नजर आ रहे थे, पर एक क्रिसमस गिफ्ट मिला है भोजपुरी दबंग्स को कहना होगा, जिस प्रकार वो विकेट मिली, क्योंकि विकेट थ्रो की तालमेल बहुत खराब नजर आया विनायक और जॉय के बीच में, और फलस्वरूप जॉय को वापस जाना पड़ा। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब विक्रांत सिंह आए हैं दाहिने हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज पार्ली जी एंड से, फील्ड सेटिंग उनके लिए फाइन लेग सर्कल के अंदर, स्क्वेयर लेग भी सर्कल के अंदर, मिड विकेट मिड ऑन साइड पे, और अभी भी अब एक खिलाड़ी तैनात किया है स्वीपर कवर की दिशा में ऑफ साइड पे, इस बार उठा के खेला है और बॉल बचे, यहां पे मुश्किल हो सकती है,
एक और विकेट मिल सकती थी अगर डायरेक्टेड होता, पर ऐसा हुआ नहीं। ये क्या कर रहे हैं अतुल? ये पहला रन आउट है और मुझे लगता है इसके प्रेशर में विनायक ने जो गलती कर दी और जॉय को जो नाराज किया है उसके चक्कर में भाग गए हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। चलिए एक ब्रेक तो मिला। यार बिल्कुल, और देखिए कितनी समझ है, बाहर भी जानते हैं उस विकेट का महत्व, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था बंगाल टाइगर्स, जो औसत थी वो भी बढ़िया थी, और जब विकेट मिलती है कभी भी फील्डिंग साइड को तो फिर उसके भी हौसले बुलंद होते हैं और एक मौका मिलता है कि आप वापस आए मुकाबले में। ये काफी फाइन खेला है, गलाइयों का अच्छा प्रयोग और चार रन मिलेंगे। इस आउटफील्ड पे चेज करने का लाभ नहीं है, बहुत तेज गति से गेंद ट्रैवल करती है। थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए विक्रांत, और बहुत ही खूबसूरत शॉट, चार रनों से अपना खाता खोला राजा ने। आज मौका है अपनी हौसला सुधारने का, क्योंकि ये अब 10 से नीचे है। काफी अब सोच विचार हो रहा है फील्ड में कि क्या करना है क्या नहीं करना, लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए। जॉय शर्मा जो कि विकेट के पीछे है लगातार कप्तान को कुछ समझाते हुए, और अब एक खिलाड़ी बल्ले के बहुत करीब रखा है कैचिंग पोजीशन में, अटैकिंग फील्ड है ये। देखिए उस फील्डर की बात कर रहा था जिन्होंने हेलमेट पहनी हुई है, लगभग शॉर्ट लेग के स्थान पे, तो विकेट की तलाश में है इस वक्त भोजपुरी दबंग की टीम। ये बल्ला घुमाया, थोड़ा सा सूझबूझ से खेलना होगा। लाइन अगर आप गेंद की देखें तो ऑस्टम के बाहर, और राजा खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, तो कहते हैं हवाई किले बनाना, और कोई भी संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। एम्बिशियस स्ट्रोक था ये, 100 हार्ट्स इनिशिएटिव जिसके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं। यही बात बताना चाहते हैं कि CCL5 में 100 हार्ट सर्जरीज स्पॉन्सर किया जाएगा, जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिग ब्रदर फाउंडेशन हर रन पे 1000 रन इस किटी में डालेगी। अच्छी लाइन अब, और थोड़ी पेस भी बढ़ चुकी है। रन अप फॉलो थ्रू बिल्कुल, एक बॉल बीट करते ही गेंदबाज लय में आ जाता है। अतुल, और ये फर्क पड़ता है जब आप चढ़ जाते हैं, जब आपको विकेट मिल जाती है तो गेंदबाज की भी जो गति है उसमें वो पैनापन नजर आता है, उसमें सुधार नजर आता है। और विक्रांत अब अलग गेंदबाज नजर आ रहे हैं, याद रखिए उनका पहले ही ओवर है, 5 रन दिए है। सबसे बढ़िया बात है कि अच्छी लाइन के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं ऑस्टम के बाहर। इसे बढ़िया गेंद, दुविधा में पूरी तरह से स्क्वायर ऑन हो गए थे, खुल गए थे, पर फिर भी राजा को एक रन मिलता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, 41 पे